वेलकम टू माई चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने फेस के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, ये टोनर, मॉइस्चराइज़र, फेस पैक, हम कितना कुछ स्क्रब, कितना कुछ हम करते हैं, बट हम अपनी बॉडी की उतनी अच्छी से केयर नहीं कर पाते हैं। तो हमारी बॉडी का कलर बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, ना तो हम उसे धूप में अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाते हैं और ना ही हम उसे अच्छे से क्लीन करते हैं। इस वजह से हमारी बॉडी का कलर ज़्यादा डल होता है और हमारा फेस तो चमकता है लेकिन हमारी बॉडी नहीं उतनी ग्लो करती है। तो आज की रेमेडी उनके लिए है जिनकी बॉडी पे टैनिंग है या फिर वो अपनी बॉडी का कलर फेयर करना चाहते हैं। तो एक से दो टोन आपकी बॉडी का कलर फेयर हो सकता है। देखिए, अगर आपका ओरिजिनल कलर ज़्यादा डल है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो एकदम से ब्राइट हो जाएगा, बट हाँ, ये रेमेडी वर्क ज़रूर से ज़रूर करेगी और आपके स्किन कलर को लाइट ज़रूर करेगी। एक से दो शेड तो लाइट कर ही देगी। ये पहले मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ, उसके बाद बाकी कैसे अप्लाई करना है, कब कब यूज़ करना है, ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे। पर पहले मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ कि उसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं। तो आपका जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है जौ का आटा। हमें इसके लिए जौ का आटा ही चाहिए और कोई आटा नहीं चलेगा, आपको जौ का आटा लेना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो उसे मंगवा लीजिए, क्योंकि जौ का आटा जो है स्किन ब्राइटनिंग के लिए सबसे अच्छा है। अगर आप अपनी बॉडी का कलर फेयर करना चाहते हैं, उसे सुंदर बनाना चाहते हैं, तो आपको जौ का आटा यूज़ करना होगा, क्योंकि जौ का आटा एक ऐसा आटा है जो हमारी स्किन को फेयर कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर आपके सामने ले रही हूँ, 4 से 5 स्पून मैं जौ का आटे का ले लूँगी। देखिए, अगर आपको अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई करना है तो आपको क्वांटिटी इंक्रीज कर देनी है उसी हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पे अपने हाथों पैरों के लिए यूज़ करूँगी तो 4 से 5 चम्मच इनफ होगा। अगर आपको और भी अपने बॉडी पार्ट्स पे, अदर बॉडी पार्ट्स पे लगाना है तो स्पून का क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है वो है खट्टी खट्टी दही। आपको जो दही यूज़ यहाँ पे करनी है वो आपको 1 या 2 दिन पुरानी दही यूज़ करनी है, क्योंकि जब वो 1 या 2 दिन पुरानी हो जाएगी तो वो ज़्यादा खट्टी हो जाती है और यही हमें चाहिए, क्योंकि हमें अपनी बॉडी का कलर फेयर करना है। इसलिए हमें खट्टी दही चाहिए, क्योंकि खट्टी दही में लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको 1 से 2 दिन पुरानी दही का यूज़ करना है। मैं यहाँ पे 2 स्पून के अराउंड दही का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं आपको इस रेमेडी का बेस्ट इंग्रेडिएंट और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपको स्किन वाइटनिंग देगा, यानी कि आपके कलर को फेयर करने में बहुत ज़्यादा कारगर है। वो है कचूर पाउडर। जी हाँ, इसको हम कचूर पाउडर कहते हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, ये कचूर पाउडर है और इसे हम हिंदी में सफ़ेद हल्दी भी कहते हैं। हल्दी हमने अक्सर पीली ही देखी है, लेकिन सफ़ेद हल्दी भी आती है, तो आपको वो सफ़ेद हल्दी यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर सफ़ेद हल्दी ले रही हूँ और ये सफ़ेद हल्दी ही है जो आपकी स्किन को गोरा करेगी, आपको स्किन वाइटनिंग देगी, आपके कलर को फेयर करेगी, आपका सन टैन हटाएगी, पिगमेंटेशन हटाएगी, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है स्किन के लिए और बहुत ज़्यादा सेफ़ है। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। बढ़ते हैं अपने लास्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, जिससे ये मिलकर एक पेस्ट बनेगा, वो है कच्चा दूध। मैं यहाँ पर गाय का दूध यूज़ कर रही हूँ। आपको भी गाय का दूध मिल जाए तो प्लीज़ गाय का दूध ही यूज़ करें। अगर गाय का दूध नहीं मिलता है तो आप भैंस का दूध यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कच्चा होना चाहिए, बॉइल्ड नहीं चलेगा, आपको कच्चा ही यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको कच्चा दूध यूज़ करना है, अब वो चाहे गाय का हो और चाहे भैंस का हो, दोनों ही चल जाएगा, पर कोशिश करिएगा कि गाय का मिल जाए। अब जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और एक स्मूथ कंसिस्टेंसी इसकी बन गई है। अब ये लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है।
आपको क्या करना है मैं ये भी बता देती हूँ आपको, ये पेस्ट जब तैयार हो जाए तो तुरंत के तुरंत अप्लाई करना है, इसे रखना नहीं है, इसे जल्दी जैसे ही आप बनाएंगे तुरंत ही इसे यूज़ करेंगे। आपको क्या करना है, जहाँ भी आपको अप्लाई करना है, जैसे अगर आपको अपने हाथों पे अप्लाई करना है तो आप अपने हाथों पर इसे अप्लाई कर ले, एक थिक लेयर आप उसकी लगा लेंगे और कम से कम इसे 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। जब ये एकदम ड्राई हो जाएगा तो आपको इसको ऐसे हल्के हाथ से स्क्रब करके इसे हटा देना है और जो भी बच जाएगा उसे आपको पानी से वॉश कर लेना है। आप देखेंगे फर्स्ट यूज़ में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी स्किन का कलर चेंज होगा ही होगा। जिनको अपनी बॉडी का कलर फेयर करना है वो इस पैक को रिलीजियसली यूज़ करेंगे, यानी एक दिन छोड़कर नेक्स्ट डे आपको यूज़ करना पड़ेगा, यानी हफ्ते में 3 से 4 बार आप इसे यूज़ करेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे आप इस पैक को यूज़ करते जाएंगे आपकी स्किन का कलर चेंज होता जाएगा। वो अगर आपका स्किन जो है, अगर आपकी स्किन सन टैन की वजह से डैमेज्ड हो गई है, डल हो गई है, ब्लैक हो गई है, तो वो एकदम से हील हो जाएगा, 1 से 2 यूज़ में ही हील हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अपनी बॉडी का कलर फेयर करना है तो आपको इसको 3-4 एप्लीकेशन करने पड़ेंगे, आपको धीरे धीरे इसमें फ़र्क नज़र आएगा। तो जब तक आपको फ़र्क अच्छा लगता है, यानी फ़र्क मिल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, आप इसे यूज़ करते रहिए। और जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे अपने बॉडी का कलर अच्छा मिल गया है तो आप इसे रोक सकते हैं, वरना आप इसे यूज़ करते रहिए। क्योंकि देखिए होम रेमेडीज़ का यही हिसाब होता है कि आप जैसे जैसे उसे यूज़ करते रहेंगे वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देती रहेगी। तो ऐसा होता है, पहले तो स्टार्टिंग में आपको 3 से 4 बार यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे आप उसको कम कर सकते हैं। लाइक पहले आप हफ्ते में 4 बार यूज़ करते थे, फिर आप धीरे धीरे करके हफ्ते में 3 बार यूज़ करेंगे, फिर धीरे धीरे हफ्ते में 1 ही बार यूज़ करने लगेंगे। तो यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। अगर अपनी बॉडी की बात है, हमारी स्किन की बात है, स्किन केयर सबको करनी चाहिए, अच्छा होता है, हेल्दी स्किन सबको चाहिए, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी चाहिए। तो आप लोग इस रेमेडी का ज़रूर यूज़ करें और अपने रिजल्ट्स मुझसे ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्ते, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।